काश मेरी मुस्लिम बहनें हिंदू लड़कों से अगर शादी करेंगी ना। तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि साध्वी प्राची जो है वो मेरा रिश्ता हमारे जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम इस्मा जहीर है, उनको मेरा रिश्ता वहां तक लेकर जाएं। लोगों ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया है कि मैंने मुसलमान होकर भी एक देश हित की बात करी है, एक सांप्रदायिकता को खत्म करने की बात करी है। दोबारा जोर दे के ये कहना चाहूंगी योगी जी से कि वो इस बात का जवाब स्वयं दे। कुछ लोग कह रहे हैं इस्मा जहीर गलत बोल रही हैं, एक योगी है वो योगी आदित्यनाथ जी। योगी होकर शादी करना बहुत बड़ी बात है, तो एक मुसलमान के लिए भी पूरे समाज के सामने अपने परिवार से अलग होकर एक हिंदू व्यक्ति से शादी करना बहुत बड़ी बात है। अगर मुसलमान लड़कियां शादी करने लग पड़ी हिंदू लड़कों से, तो फिर हमारी हिंदू बहन और बेटियों से शादी कौन करेगा? किससे शादी करवाएंगी साध्वी जी? क्या उनका रिश्ता लेके पाकिस्तान जाएंगी? इस्मा जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आपने पहला वीडियो देखा होगा, इस्मा जहीर ने साध्वी प्राची के बयान के बाद ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ से हम शादी करेंगे। चलिए आगे आप आइए, लेकर जाइए योगी जी के पास मेरा रिश्ता। इस्मा जहीर, आपने कह तो दिया था कि हम तैयार हैं, अभी तक कोई कॉल आया, फोन आया या किसी ने कुछ आपको? हाँ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैद साहब की आप वापस मुझसे बात करने के लिए आए, और मैं पूरे देश के सामने ये बात दोबारा उठाना चाहती हूँ कि साध्वी जी ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में मुसलमान लड़कियों के लिए इन बातों को कहा कि वो मुस्लिम लड़कों से शादी कर लें, और कहने के बाद वो गायब हो गई हैं, तो अब ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि किस ग्राउंड पे उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था, और जब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया और एक महिला निकल के आ गई है, तो वापस मैदान में वो क्यों नहीं आ रही है? मेरी एक अपील है हमारे सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि या तो वो इस तरह की महिलाओं को लगाम दे जो देश का माहौल बिगाड़ रही हैं, या फिर उनके ऊपर FIR करें, उनकी सदस्यता रद्द करें, या फिर साध्वी जी पब्लिकली नेशनल टीवी पे आके हम मुसलमान महिलाओं से माफी मांगे। देश के हित में यही बेहतर होगा कि अगर आप किसी जाति या कौम के ऊपर कोई स्टेटमेंट करते हैं, उससे अगर माहौल बिगड़ता है, तो फिर सरकार इस चीज की जिम्मेदारी ले कि ये हिंदुस्तान हम सबका है, ये देश का संविधान हम सबका है, हमें अधिकार अपनी बात को कहने का। और मैं पूरी तरीके से दोबारा जोर दे के ये कहना चाहूंगी योगी जी से कि वो इस बात का जवाब स्वयं दे कि अब आगे क्या करना है। देखिए, ऐसा है, देश में हर आदमी जो है वो माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता। लोगों ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया है कि मैंने मुसलमान होकर भी एक देश हित की बात करी है, एक सांप्रदायिकता को खत्म करने की बात करी है, और रिश्ता जोड़ने की बात करी है। जहां तक मैं बात बीजेपी की करूं, तो इन्होंने हमेशा चीजों को और दिलों को तोड़ने की बात करी है, नफरत की राजनीति की बात करी है। मेरी एक बार गुजारिश है अपने देश के लोगों से भी कि अगर कोई इस तरह की बात आपके सामने उठाता है या रखता है, तो बहुत ठंडे दिमाग से उसके ऊपर विचार करके अपने संविधान को ध्यान में रखकर उस पर बात करिए और जवाब जरूर मांगिए। अच्छा, इस्मा जहीर जी, अब आ जाते हैं कि आपकी वीडियो डालने के बाद जब मैंने अपलोड किया है फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर, तो वहां कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इस्मा जहीर गलत बोल रही हैं, कौन एक योगी है वो योगी आदित्यनाथ जी, उनको लेकर इस तरीके से स्टेटमेंट देना ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर वो योगी हैं तो मैं भी मुसलमान हूँ। योगी होकर शादी करना बहुत बड़ी बात है, तो एक मुसलमान के लिए भी पूरे समाज के सामने अपने परिवार से अलग होकर एक हिंदू व्यक्ति से शादी करना बहुत बड़ी बात है, तो ये बात तो हम दोनों के लिए बराबर ही है। जितनी बड़ी बात उनके लिए है कि वो योगी है, उतनी बड़ी बात मेरे लिए भी है कि मैं मुसलमान हूँ। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है साध्वी प्राची ने, हाँ, उनके स्टेटमेंट के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करे, लेकिन अगर वही लड़का हिंदू है और वो योगी है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, कमेंट्स किए हैं कि आपने भावनाओं को भड़काया है और एक योगी के बारे में इस तरीके से आपको नहीं बोलना चाहिए था। मैंने एक योगी के बारे में ऐसा नहीं बोला है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोला है जो जिम्मेदार है, जो पूरे उत्तर प्रदेश को चला रहा है, और ये स्टेटमेंट उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की नेता की तरफ से स्टेटमेंट आया है, तो फिर उनको इसका समर्थन करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, या फिर अगर उनको लगता है कि साध्वी जी ने गलत बात करी है, तो उनके ऊपर वो लीगल एक्शन ले, या अगर लगता है कि मैंने गलत बात करी है, कहीं से भी अगर मैंने कोई
असंवैधानिक बात करी है या मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो मैं तैयार हूँ, आप मेरे ऊपर एक्शन करिए। तो आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दिया? कुछ तो सोचा होगा अपने बैकग्राउंड के बारे में, आने वाली नस्लों के बारे में, क्या सोचा? नहीं नहीं, मैंने तो ये स्टेटमेंट देखिए, साध्वी जी ने जो बात कही है मैं उनसे अग्री करती हूँ कि हाँ ठीक है शादी कर लेते हैं, लेकिन आप रिश्ता लेकर तो जाइए। आया कैसे ये जहन में कि हाँ ये चीज मुझे बोल देना चाहिए? अगर आप कह सकते हो कि आप हिंदू लड़कों से शादी करो तो हम भी कह सकते हैं कि हम शादी कर सकते हैं, आप हमारा रिश्ता लेकर तो जाइए। बिल्कुल जहन में आएगा, आप हमारे जहन में अगर ये बातें डालोगे तो हम आपसे जवाब मांगेंगे ना कि आपके जहन में कैसे। जैसे साध्वी जी ने भी एक प्रोपागंडा के लिए, एक विरोधाभास पैदा करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया बगैर सोचे समझे, उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो आप अपने बात से अटल हैं शादी के लिए? मैं अपनी बात से बिल्कुल अटल हूँ, और मैं ये बात साध्वी जी के सामने कहना चाहती हूँ कि अगर आपने ये मुद्दा उठाया है तो अब वो जाके सीएम साहब से बात करें, रिश्ते की बात करें और मुझे बताएं कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। वरना मेरी गुजारिश हमारे आदरणीय सीएम साहब से है कि वो इस पे कोई सख्त से सख्त कार्रवाई लें, सदस्यता उनकी रद्द करें और पब्लिक अपॉलोजी आके वो मांगे साध्वी जी, और भविष्य में इस तरह की कोई बात किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोगों के लिए वो नहीं करेंगी। तो इस बात पे आप लगातार ऐसे ही अटल रहेंगे? हाँ, मैं अपनी बात पे बिल्कुल अटल हूँ जब तक मुझे योगी जी की तरफ से या साध्वी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि इस बात का वो पूरी तरह से जोर शोर से पूछे कि जो एक स्टेटमेंट एक भारत की एक कौम के लिए या देश में रहने वालों के लिए दिया जाता है तो उसका प्रभाव लोगों पे कहां तक पड़ता है। मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, मेरा एक सवाल साध्वी जी से है, अगर मुसलमान लड़कियां शादी करने लग पड़ी हिंदू लड़कों से तो फिर हमारी हिंदू बहन और बेटियों से शादी कौन करेगा? किससे शादी करवाएंगी साध्वी जी? क्या उनका रिश्ता लेके पाकिस्तान जाएंगी? मुझे इस बात का जवाब भी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, जिनके आगे माँ है, जिनके आगे बेटियां हैं, उनको ये सवाल पूछना चाहिए। ये बिल्कुल जातिगत सवाल नहीं है, ये देश की समस्या से जुड़ा हुआ सवाल है। पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि आपके नेता जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका क्या प्रभाव जा रहा है जनता पे। एक जिम्मेदार पार्टी है बीजेपी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ इसमें जहीर मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप 24 तक न्यूज।